चलिए, गुड आफ्टरनून। तो आज की हम लोग की क्लास है सिंथेसिस यूजिंग ऑफ एडजेक्टिव। यानी कि यहाँ पर सिंथेसिस का मतलब सीधा सीधा होता है सेंटेंस को छोटा करना, है ना। जैसे दो सेंटेंस है या दो से ज्यादा सेंटेंस है तो उनको क्या कर देना, एक सेंटेंस कर देना होता है। सिंथेसिस का मतलब ये होता है। और यहाँ पर जो हम लोग सिंथेसिस सीखने वाले हैं ये है यूजिंग ऑफ एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव का यूज करते हुए। तो भाई स्वाभाविक है इसके लिए हमें एडजेक्टिव के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो शॉर्ट में मैं बता दे रहा हूँ, देखिए एडजेक्टिव जो होता है ना ये एक्चुअली, जैसे देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच आठ हैं। और आप जानते हो नाउन प्रोनाउन, क्लियर है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव ऐसे चलता है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव। तो देखो अगर नाउन या प्रोनाउन की तबीयत खराब होगी, ठीक है, तो इनके लिए डॉक्टर है एडजेक्टिव। मतलब नाउन या प्रोनाउन की इज्जत बढ़ानी हो या इज्जत घटानी हो, नाउन या प्रोनाउन को ऐसे बहुत हाई लेवल में बहुत लो लेवल में दिखाना हो, मतलब कुल मिलाकर नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताना हो तो एडजेक्टिव होता है। अब एडजेक्टिव भाई नाउन या प्रोनाउन के बारे में अच्छी क्वालिटी भी बता सकते हैं और बैड क्वालिटी भी बता सकते हैं। तो सिंपल सा एडजेक्टिव होता कौन है, तो एडजेक्टिव ने कहा हमने नापा, एडजेक्टिव ने क्या कहा, हमने क्या किया, नाप लिया, मतलब नाउन या प्रोनाउन के ही बारे में बताएंगे, ठीक है, बस सीधा इतना याद रखो, है ना। और एडजेक्टिव क्या होगा, कोई शब्द होगा और ऐसा शब्द होगा जो या तो नाउन के बारे में बताएगा या तो प्रोनाउन के बारे में। इसको पहचानना बिल्कुल आसान है, है ना। आपको जैसे होते ना कुछ ऐसे भी रिश्तेदार होते हैं, या तो उनका काम ही है या तो आपकी प्रशंसा करेंगे या तो फिर भाई बाप के सामने पंगा करेंगे, दो ही सेम इनका काम है, एडजेक्टिव या नाउन या प्रोनाउन के ही बारे में बताएंगे। तो इनका यूज, हाँ एक चीज और समझो, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी अक्सर होता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ये एडजेक्टिव का काम करता है, ध्यान देना, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी एडजेक्टिव का काम करता है। क्लियर है, जैसे मैं कह दूं मरा हुआ आदमी, तो आदमी की बात, आदमी के बारे में बताया गया कि मर गया, है ना। तो मरा हुआ आदमी, डाई मीन्स होता है मरना, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, डाइड पर्सन, है ना, डाइड पर्सन या डेड पर्सन बोलते हैं इस तरह से ना। तो ये एक्चुअली ये जो डेड या डाइड जो भी आप बोलते हो अभी, ठीक है मान लेते हैं डेड, क्लियर है, हाँ ये चीज, या आप ये भी बोल सकते हो, गलत नहीं है, डाइड पर्सन मतलब मरा हुआ आदमी। तो यहाँ तो ये नाउन है और इसके बारे में बता रहा है, तो यहाँ एक्चुअली एडजेक्टिव वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह काम कर रहा है। इसी तरह एडजेक्टिव जो है आईएनजी फॉर्म की तरह काम भी कर सकता है, जैसे मैंने आकाश में टूटता हुआ तारा देखा, टूटा हुआ नहीं, मैंने आकाश में टूटता हुआ तारा देखा, आई सा, है ना, आई सा आ, ठीक। अब यहां देखो टूटता हुआ तारा, बल्किंग स्टार, बल्किंग स्टार, मैंने आकाश में टूटा हुआ तारा देखा, आई सा आ प्लक्ड स्टार, और आगे लगा सकते हो इन द स्काई। तो एक्चुअली स्टार यहाँ पर नाउन है, और जब पहला सेंटेंस मैंने लिखा कि आई सा आ प्लगिंग स्टार, इसका मतलब मैं इन द स्काई मैंने, है ना, टूटता हुआ तारा देखा, मतलब जब मैंने तारा देखा तब वो टूट रहा था, टूटने का काम कंटिन्यू चल रहा था, लेकिन यहाँ पर आई सा आ प्लग्ड स्टार, मतलब जब मैंने तारा देखा तो टूट गया। तो एक्चुअली यहाँ देखो वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। अब यहाँ बहुत ज्यादा ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, भाई ये तो वर्ब, अरे भाई ये नाउन या प्रोनाउन की या तो इज्जत बनाएगा या तो इज्जत घटाएगा। इनका डॉक्टर एडजेक्टिव से पूछा भाई क्या करेगा, ये कहे नापेंगे हम किसको, ना नाउन प्रोनाउन, क्लियर है, समझ में आया। तो बस यही चीज, अभी आई होप ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पर समझने वाली चीजें है ना, बाकी अभी तो, अब अगर आपको ये समझ में आया तो सिंथेसिस भाई वो दौड़ता हुआ आ रहा है, क्लियर है, अभी समझ में आया ना।
चलिए। हाँ, कोई जरूरी नहीं है कि एडजेक्टिव हमेशा क्वालिटी ही होगा भाई, एडजेक्टिव नंबर भी हो सकता है। मैंने सेब खाए, ठीक है खाए तो अच्छी बात है, मैंने तो नहीं खाया, लेकिन मैं कह रहा हूँ मैंने दो सेब खाए, आई एट टू एप्पल्स, आई एट टू एप्पल्स। एक्चुअली यहाँ एप्पल्स क्या है, नाउन है, कॉमन नाउन है, है ना, लेकिन एप्पल्स के बारे में ये बता रहा है। तो ऐसे एडजेक्टिव को न्यूमेरल एडजेक्टिव या नंबर एडजेक्टिव कहते हैं। ये एडजेक्टिव की पूरी क्लास में इसका पोस्टमार्टम होता है, परेशान मत होना, है ना, लेकिन ध्यान देना है एडजेक्टिव का मतलब यही नहीं होता कि क्वालिटी, इज्जत बढ़ाए या इज्जत घटाए, नंबर भी हो सकता है, कई सारी चीजें भी, कुल मिलाकर उसका यही काम है कि नाउन या प्रोनाउन के ही बारे में वो कुछ ना कुछ बात बताएगा। क्लियर है, अभी समझ में आ गया ना, ऐसे एडजेक्टिव को नंबर एडजेक्टिव कहते हैं। परेशान ना होइए, एक चैप्टर है सिंटेक्स नाम से, तो भाई सिंटेक्स में पूरा इन्हीं का डिटेल चलेगा, नाउन का पूरा मतलब, है ना, प्रोनाउन का काइंड्स क्या कैसे होते हैं, थोड़ा बोरिंग रहता है, लेकिन एक बार ये ऐसा टॉपिक है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच, हर कंपटीशन में भर भर के पूछा जाता है, चाहे वो एकेडमिक हो चाहे वो कंपटीशन हो, कुछ भी इससे मैटर नहीं करते, यहाँ तक कि स्पीकिंग कोर्स में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बिना सवाल अधूरा है ना। चलो ठीक है, तो अभी इतना समझ में एडजेक्टिव क्या होता है, अब एक एग्जांपल लिख रहे हैं और थोड़ा सा जो है हम लोग मिलकर ट्राई करेंगे, ट्राई क्या पूरा आएगा, बस केवल दिमाग लगाना एडजेक्टिव कहाँ है। जैसे देखो, एक बॉय मेरे ऑफिस में आया और वो अंधा था। देखिए, अ बॉय केम इन माय ऑफिस, एक लड़का मेरे ऑफिस में आया, ठीक है, एक सेंटेंस। अब देखो एक चीज और है, सिंथेसिस में एक सेंटेंस आपका सेपरेट दिया रहेगा, मतलब अलग अलग दिया रहेगा, जैसे एक सेंटेंस ही सिंपल कि एक लड़का मेरे ऑफिस में क्या किया, आया, और जब वो लड़का जो था वो क्या था, अंदर था, तो द बॉय वाज ब्लाइंड, वो लड़का कैसा था, अंधा था, तो एक सेंटेंस है, देखो दो, यही तो होता है ना सिंथेसिस, मतलब क्या है, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस, एक कंपाउंड सेंटेंस या एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, है ना। तो एक्चुअली जब हम बनाते हैं तो वहां पर क्या कर देते हैं, कंबाइन इसको कर देते हैं, एक में लिख देते हैं। और अभी यहाँ देखो हमने क्या देखा है, अभी देखो अलग अलग पढ़ रहे हैं, लेकिन एग्जाम में तो अलग अलग आएगा नहीं, एग्जाम में सारा मिक्सअप आएगा, तो वो डिपेंड करेगा आपने कितना प्रैक्टिस किया है, तो वहां आपको माइंड से क्लिक करना होगा भाई इसमें एडजेक्टिव का यूज करके बनेगा या किसी और का, है ना। तो अभी तो यहाँ क्लियर है कि एक लड़का मेरे ऑफिस में आया, वो लड़का जो है अंधा था, तो देखो एक लड़का आया ना, ठीक है, अब वो नाउन या प्रोनाउन, लड़के लड़का कैसा है, अंधा है, यानी कि एडजेक्टिव है ना, इनको पहले रख दो, अब ब्लाइंड बॉय, अब ब्लाइंड बॉय आगे ही कर दो, केम इन माय ऑफिस, बस हो गए। मेन गेम किसका है, एडजेक्टिव का है। अगर एडजेक्टिव समझ पहचानो और देखो वो किसके बारे में, जैसे हमने कहा अंधा एडजेक्टिव है, लेकिन अंधा कौन से नाउन के बारे में, बॉय, लड़के के बारे में, तो इनके पहले बैठो, आओ भाई, अब ब्लाइंड बॉय इनकी इज्जत घटा रहे हो, ठीक है, जो कुछ भी है, ठीक है, हमसे क्या मतलब है, बैठा दो पहले, समझ में आया, क्लियर है। चलिए इसे कर लीजिए, एक सेंटेंस पहले करके दिखाइए, है ना, राम गेव अ रुपीज टू मी, यार ऐसे लिखेगा, राम गेव अ रुपीज, राम गेव अ रुपीज टू मी, या टू मान लो राम सीता को देते हैं, ठीक है, राम ने सीता को एक रुपया दिया, राम ने क्या दिया सीता को, अब क्या इसे बना दे इसे? एक रुपया दिया, और सुनो और सीता वाज लेम, सीता लेम थी, मान लो यार, ठीक है, सीता वाज लेम मतलब लंगड़ा होता है, क्यों भाई, सीता लंगड़ी थी, राम ने सीता को एक रुपया दिया, और सीता कैसे थी, लंगड़ी थी, ठीक है, हाँ कलयुग की सीता है, यस सर, हो गया। तो अभी देखो राम ने किसको रुपया दिया, लैम सीता को, सीता को दिया, ये एडजेक्टिव कौन है, लैम, हाँ देखो सीता तो नाउन, नाउन
है ना, ये एडजेक्टिव है। तो आप क्या करो, इनको उठाओ, इनके पहले बैठा दो, है ना। तो राम गेव, क्लियर है। तो इसका क्या हो जाएगा, हाँ गुड, राम गेव अ रुपीज टू लैम सीता। राम ने लंगड़ी सीता को 1 रुपया दिया तरस खाकर, बेचारी दवा करवा ली। 1 रुपए में? हाँ 1 रुपए में। जवाना सरकारी यहाँ नहीं प्रॉब्लम। हाँ पच्ची कटाई। ठीक है, समझ में आया। ये चीज आपका हो गया। ये एक्चुअली देखो, ये सेपरेट फॉर्म है और ये कंबाइंड फॉर्म। इसके पहले ये लिख लीजिए, ये एग्जांपल पहला वाला। चलिए तो इसका हो जाएगा, देखिए द पुलिस कॉल्ड अ थीफ। पुलिस ने एक थीफ को कैच किया, पकड़ा। नोटोरियस थीफ, उसके बाद में हाँ, अब थीफ के बारे में क्या है, नोटोरियस थीफ था। तो बस अभी क्या करो, सेंटेंस को ऐसे लिख दो, मतलब लिखिए द पुलिस कॉल्ड अ नोटोरियस थीफ, है ना। चलो ये हो गया, तो ये आपका हो गया कंप्लीट, मतलब ये यूजिंग ऑफ एडजेक्टिव। अब अगली हेडिंग बना लीजिए, सिंथेसिस यूजिंग ऑफ एडजेक्टिव के प्लेस पर लिख लीजिए ना, इसे लिख ले पहले ऊपर वाला कंजंक्शन एंड। अच्छा मिटा दीजिए, इसमें क्या कोई रूल तो है नहीं। कंजंक्शन और कंजंक्शन में भी हम खास कर लेने वाले हैं एंड। कंजंक्शन तो बहुत है, लेकिन कंजंक्शन एंड का यूज करते हुए सिंथेसिस करने वाले। ठीक है, अभी इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। तो अभी यहां पर देखो, एक प्रश्न आता है कि कंजंक्शन क्या होता है, जो तो दो भाई देखो जोड़ देता है, सी फॉर कंजंक्शन और सी फॉर कनेक्शन। ठीक है, जो कनेक्शन करे दो शब्द का, कंजंक्शन है दो सेंटेंस का, दो फ्रेज का या दो क्लॉज का, तो इसलिए कंजंक्शन को हम बोल सकते हैं कनेक्टिंग वर्ड। क्योंकि ये कनेक्ट कराने का काम करता है, कनेक्टिंग वर्ड। अब ये किसको कनेक्ट कराता है, तो नहीं नहीं नहीं, ये कैंड दो शब्द को, जैसे राम एंड सीता, दो सेंटेंस को या दो फ्रेज को या दो क्लॉज को कराता है, और उसमें खास क्रम लेने वाले हैं एंड। तो एंड मींस जनरली क्या होता है, और होता है। अगर हिंदी की बात करें तो एंड को क्या बोलते हो, और बोलते हो। तो चलो इसका सीधा एग्जाम्पल पर आते हैं। एक एग्जाम्पल लिखिए, आई वेंट टू बाई अ पेन, मैं एक पेन खरीदने के लिए गया। आई वेंट टू बाई अ पेन, मैं एक पेन खरीदने के लिए गया। ठीक है, आई वॉन्ट टू बाई अ पेंसिल आल्सो, आ जाइए। आई वॉन्ट टू बाई अ पेंसिल आल्सो। नमस्ते सर। नमस्ते भाई। आई वॉन्ट टू बाई अ पेंसिल आल्सो, ये कह रहे हैं देखो, मैं एक पेन खरीदने के लिए गया, पेंसिल और मैं एक पेंसिल भी खरीदने चाहता था। तो अभी एक्चुअली ये सेपरेट फॉर्म में लिखा है। सेपरेट का मतलब देखो, एक सिंपल सेंटेंस ये है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, मैं एक पेन खरीदने के लिए गया और जब खरीदने गया तो मैंने सोचा यार एक पेंसिल भी खरीद लेना चाहिए, है ना। तो ये आई वॉन्ट टू बाई अ पेंसिल आल्सो, मैं एक पेंसिल भी खरीदना चाहता था। तो इसका मतलब मैं दो दो चीज खरीदने के गया है ना, सिंपल सा। हाँ, तो आप क्या बोलोगे, आई वेंट टू बाई अ पेन एंड अ पेंसिल, बस इसको कर दो कंबाइंड, बनाइए। आल्सो नहीं लगाएंगे बाद में? नहीं नहीं, आल्सो नहीं लगाएंगे, क्योंकि एंड लग गया ना। यस सर। हाँ, तो आल्सो लगाने की कोई नीड नहीं। तो यहाँ सीधा करो, आई वांट टू बाई अ पेंसिल एंड अ पेन। वांट रहेगा सिर्फ वांट, देखो आई वॉन्ट भी कर सकते हो और आई बेंट भी कर सकते हो। बेंट तो जाना, है ना। देखो आई वॉन्ट मतलब मैं एक पेन और पेंसिल खरीदना चाहता था, हाँ गया था, लेकिन मेन टारगेट क्या, खरीदना चाहता था ना। क्लियर है, मैं एक पेंसिल भी खरीदना चाहता था, तो मैंने फोन करके बता दिया भैया एक पेंसिल भी दे, मतलब ऐसे समझो यहाँ से दोनों सेंस को कवर हो गए। आई वॉन्ट टू बाई अ पेंसिल एंड अ पेन। अच्छा अगला एक आप लोग करके दिखाना है ना, पेन लिख दे और अ पेन लिख दे एंड पेन अ पेन लिख दे। नहीं नहीं, ये अलग अलग, देखो अ पेंसिल मतलब एक पेंसिल, अ पेन मतलब एक पेन। ठीक है, समझ गए। चलो अगला एक मैं बोल रहा हूँ, आप लोग करके दिखाओ। आई सॉ ब्लैक काउ, मैंने काली गाय देखी।
आई सा आ ब्लैक काउ, मैंने एक काली गाय देखी और मैंने सफेद गाय भी देखी। आई सा व्हाइट काउ आल्सो, मैंने एक सफेद, तो आई सा ब्लैक एंड व्हाइट काउ, बस आई सा अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ, नहीं इसको ऐसे नहीं बोलेंगे, ध्यान देना, अभी इसको मैं समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पर आई, ये देखो काऊ की एक तो ये विशेषता है और यहाँ काऊ की ये विशेषता है, तो दोनों गाय ही, बस एक काली ब्लैक एंड व्हाइट गोरी, ठीक है, ब्लैक क्या हो जाएगा, आई सा आ ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट काऊ काऊ, बस है ना। लेकिन ईमानदारी से बताना क्या ये सही है, क्या है कुछ नहीं, बहुत बड़ी चीज है। अगर सेंटेंस है बिल्कुल सही, अभी मैं एक और लिख रहा हूँ, आई सा अ ब्लैक एंड अ व्हाइट काउ, एक्चुअली दोनों का समझो, अगर पहला सेंटेंस मैं सही मान रहा हूं तो इसका अर्थ ये निकल रहा है मैंने गाय देखी वो ब्लैक भी थी व्हाइट भी थी, नहीं मैंने दो गाय देखी, वही तो सर वही थी है ना, इसलिए सही ये होगा अ व्हाइट अ ब्लैक, सही ये होगा इसका जी सर, ठीक है। जैसे एक आप एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ऊपर वाले लिख लिए ना, ठीक है, एक आप बहुत सुने होंगे, जैसे मैं कहूं द प्रिंसिपल, अभी दोनों में अंतर समझना, एंड मैनेजर आर कमिंग होगा या इज कमिंग होगा, एक सेंटेंस मैंने ये लिखा और दूसरा सेंटेंस मैं लिख रहा हूं द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर, बताइए आर होगा या इज होगा, कौन सा सही है, ध्यान देना, ये मत दिमाग से हटा दो बच्चा आपके में है, क्योंकि इंटर का जो ग्रामर का सिलेबस ना पूरा बढ़िया अच्छे लेवल का है, पहले में क्या होगा आर होगा, दूसरे में क्या होगा प्रिंसिपल एंड द मैनेजर, यहाँ भी आर होगा, यहाँ दो है, देखो दोनों में अंतर आप समझो ध्यान से समझो, सुनो बच्चा समझो, देखो द प्रिंसिपल एंड मैनेजर, इसका मतलब जो प्रिंसिपल है वही मैनेजर है, इसलिए यहाँ ई जाएगा, एक ही आदमी प्रिंसिपल भी है और एक ही आदमी सेम, यही तुम लोग इतना भी दिमाग नहीं लगा पाए, और दूसरा है द प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल अलग है एंड द मैनेजर अलग है, ये है द का कमाल, ये है ए का कमाल, तो ऐसे किसी को हल्के में लेकर मत चलना, ठीक, और यहाँ आर आर लगेगा, समझे, इसका अर्थ है कि दो बंदा है, एक प्रिंसिपल एक मैनेजर, दोनों आ रहे हैं, इसका मतलब एक ही बंदा है क्योंकि दोनों के सामने दाग है, क्लियर है। इसी तरह एक सेंटेंस में और देखो कितना गजब का मजा आता है भाई, थोड़ा अच्छे से पढ़ो और अच्छी चीज, जैसे एक देखो ये द मैन है ना इज लुकिंग एट मी, वो आदमी मुझे घूर रहा है, देख रहा है और नहीं, लुकिंग एट का मतलब घूरना होता है, ध्यान से देखना ऐसे, और एक मैं कह दूं आ मैन इज लुकिंग एट मी, दोनों में अंतर क्या है, आ मैन वो द मैन, आ मैन वो द मैन, अरे दोनों में अंतर ये सुनो बच्चे सेम ही है, देखो इधर ध्यान से देखो, अच्छा देखिए हम रुको रुको, आ मैन का मतलब एक आदमी और द मैन का मतलब दो तीन आदमी, नहीं बच्चा ऐसी बात नहीं, देखो यहाँ पर सुनो, अब मेरी बात सुन लो, एक्चुअली आप कहते हो द को डिपेंडेंट आर्टिकल बोलते हैं, तो यहाँ द मैन मतलब वो आदमी मुझे देख रहा, मतलब वो आदमी को मैं जानता हूँ, है ना, आ मैन का मतलब वो आदमी, वो आदमी एक नहीं बच्चा, वो आदमी, लेकिन उस आदमी को मैं नहीं जानता हूँ, अंतर यही है। अब ए को क्या बोलते हो, ए एन को क्या बोलते हो, इनडिफिनिट आर्टिकल, इनडिफिनिट आर्टिकल अनिश्चित चीजों के लिए लगता है, तो आ मैन का मतलब कोई आदमी मुझे घूर रहा है, तो एक अर्थ कोई भी निकलता है,
एक अर्थ एक से भी, हम लोग का क्या मेंटालिटी ए एन मतलब एक अर्थ निकलेगा, नहीं एक अर्थ कोई भी निकलता है ना, ऐसे वो से भी निकलता है। तो एक्चुअली यहाँ पर उस आदमी को मैं जानता हूं क्योंकि दा लगा है, ठीक डिफिनेट निश्चित चीज उनके लिए, तो आदमी पता है मैं जानता हूँ वो आदमी को, और यहाँ हमें नहीं पता है कोई आदमी कोई पर्सन है ना, तो यही सब अंतर है। चलो अभी लिख लो ये वाला एग्जाम्पल लिख लीजिए, वो तो हटा दीजिए लेकिन थोड़ा ध्यान दो।